କଦଳୀ ବାଉଙ୍ଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସାନିଟାରୀ ନାପ୍କିନ୍ ଯାହାକୁ ମହିଳାମାନେ ଖାସ୍ କରିକି ଯେତେବେଳେ ମାସିକ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ବା ସାନିଟାରୀ ନାପ୍କିନ୍ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କଦଳୀ ବାଉଙ୍ଗା ଯାହାକୁ ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛର ତନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ସେଥିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼୍ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପ୍ୟାଡ଼୍ ଓମେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁ ବୁଷ୍ଟି ସେ ଆମ ସହିତ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଏହାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ये जो प्रोजेक्टी आरंभ हेरे खास करी महिला माने केते लाभवान हे पारे और इकोनॉमिक ग्रोथ करवार ओडिशा के आगुआई पार्टे मैडम आ, पहले तो आपको स्वागत करती हूं अर्गस न्यूज ओडिशा में और जगन्नाथ धाम में मैम ये जो प्रोजेक्ट आप लाएंगे अभी सौख्यम के हिसाब से सैनिटरी पैड जो बनाना ट्री में प्रस्तुत किया जाएगा ये प्रोजेक्ट ओडिशा में कितना हेल्पफुल होगा महिलाओं के लिए हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा देखिए एक महिला की ज़िंदगी में आधी ज़िंदगी हमें पीरियड्स के साथ जूझना पड़ता है अगर फोर्टी uh, ईयर्स हमारी मेंस्ट्रुएटिंग लाइफ टाइम है तो अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिससे हमारे पीरियड्स थोड़े आसान हो जाएं, मैनेज uh, करने के लिए भी आसान हो जाएं, हमें रैशेस ना हो, हो सकता है कि हमारे जो पीरियड क्राम्पस होते हैं वो भी बेटर हो जाएं, और इस तरह के प्रोडक्ट्स सस्ते भी हैं और पर्यावरण के लिए भी बेटर हैं और उनमें केमिकल्स नहीं हैं टॉक्सिन्स नहीं हैं तो ये अगर उपलब्ध होने चालू हो जाएं तो महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए फ़ायदा तो है ही मैडम ये जब हम सौख्यम के बारे में बात करते हैं ये लगभग जो हमें मालूम है 2007 से शुरू हुआ है वो सत्रह से शुरू हुआ है माफ़ कीजिएगा तो सत्रह से जब शुरू हुआ है ये सौख्यम तो अभी तक जो चल रहा है कितने परसेंटेज ऑफ वोमेन यहाँ पे जुड़ा जुड़े हुए हैं इस काम के अंदर और कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं ये जो विजन है ये आपको कैसा आया कि जो बानाना ट्री में ये बना सकते हैं हम ये विजन तो 100 परसेंट अम्मा जी का है श्री माता अमृतानंदमय देवी जी का वो आध्यात्मिक गुरु भी हैं और अम्मा जी के बहुत सारे चैरिटेबल एक्टिविटीज़ इंडिया में और इंडिया के बाहर भी हैं बल्कि जब इंडिया को जी ट्वेंटी की अध्यक्षता थी पिछले साल तब अम्मा को सी ट्वेंटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था इसका मतलब है कि इंडिया में जो लाखों एन हैं सभी एकजुट हुए डिस्कशंस करने के लिए पॉलिसी डेलिब्रेशंस करने के लिए और वो पूरा प्रोसेस अम्मा जी की अध्यक्षता में हुई तो ये विजन तो अम्मा जी का है और बनाना फाइबर का जो गाइडेंस था वो भी अम्मा जी की तरफ से आया था हाँ एक चीज़ अम्मा जी ने कहा कि हमें डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन बनाना फ़ाइबर से नहीं बनाकर रीयूजबल बनाना चाहिए uh, तो ये वर्ल्ड uh, में पहली बार ये काम हो रहा था uh, किसी और ने रीयूजबल सैनिटरी नैपकिन बनाना फ़ाइबर्स से नहीं बनाए थे तो ये भी हमारी यूनिवर्सिटी में अमृता यूनिवर्सिटी में एज अ रिसर्च प्रोजेक्ट चला थोड़ी देर और फिर जब ये लॉन्च हुए 2017 में तो अब तक हमारे अनुमान में पाँच लाख से ज़्यादा महिलाएं इससे इसका उपयोग पा चुकी हैं वो यूज़ कर रही हैं और डिस्पोजबल सैनिटरी नैपकिन से पूरी तरह से मतलब उनकी आदत छूट गई है उनको छुटकारा मिल गया है जब भी हम बात करते हैं मासिक धर्म के बारे में तो डिस्पोजल एक बात है कि हम पहनते हैं उसको फेंक देते हैं या फिर कहीं भी कुछ उसको छुपा देते हैं या फिर कुछ करते हैं लेकिन जब हम रीयूजेबल की बात करते हैं पहले ज़माने की हम जैसे बात करते थे कपड़े यूज करते थे लेकिन ये कितना कंफर्टेबल रहेगा बॉडी के लिए हाइजीन के लिए सभी जो लड़कियां हैं वर्किंग लेडीज़ खास तौर पर है वो थोड़ा इतने समय नहीं दे सकते शायद आपके हिसाब से ये रीयूजेबल कितना कम्फर्टेबल होगा लोगों को बल्कि तो ये तो अनुभव करने की बात है आम, मैं तो कहूँगी और मैं ये सुना सुनाया नहीं है मेरा खुद का अनुभव है सौखियम से पहले भी मैं रीयूजबल सैनिटरी नैपकिनस यूज़ करती थी हम लोग यूएस में रहते थे भारत मूव होने से पहले तो मेरा पहला सेट मैंने यूएस में खरीदा था रीयूजबल सैनिटरी नैपकिन किसी भी ब्रांड का हो सिर्फ़ सौख्यम का नहीं किसी भी ब्रांड का हो डिस्पोज़बल सैनिटरी नैपकिन की तुलना में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है बहुत सारी लड़कियों को रैशेस हो जाते हैं डिस्पोजेबल साइच नैपकिन से हमारे पीरियड्स तो ख़त्म हो गए पर उसके बाद दो तीन दिन हमें और लगते हैं रैशेस से छुटकारा पाने में तो रीयूज़बल से रैशेस नहीं होते और भी बहुत तरह के फ़ायदे आपने वर्किंग वुमेन की बात की तो मैं भी वर्किंग वुमेन रह चुकी हूँ मैं वर्किंग वुमेन हूँ वर्किंग वुमेन के लिए रीयूजल यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है हम अपने अंडर क्लोथ्स यूज धोते हैं खुद धोते हैं बहुत सारी महिलाएं खुद धोती हैं पीरियड uh, के दिनों में एक एक्स्ट्रा अंडर uh, uh, है बस इतना ही है इसको धोना सुखाना अगर ये आसान नहीं होता तो आप मानिए कि कोई नहीं यूज़ कर रहा होता वेट बैग मिलता है uh, रीयूजबल पैड्स स्मेल नहीं करते यूज़ किए हुए पैड्स स्मेल नहीं करते बट थोड़ा सा हमें माइंड सेट चेंज करना है हम जब चेंज करते हैं अपने वर्क प्लेस में तो यूज़ किया हुआ पैड हम वेट बैग में डाल सकते हैं उसे आसानी से हम घर ला सकते हैं शाम को ठीक से धोने के लिए केरल में जब आप ये शुरू किए अभी हम लड़कियां जो खरीद रहे हैं पैड सैनिटरी नैपकिन पर छः पीस को लगभग अगर हिसाब किया जाए एक ही पैकेट में तो साठ सत्तर या फिर ज्यादा से ज़्यादा सौ रुपया हम ये कर लेंगे हिसाब कर लेंगे तो ये जो रीयूजेबल पैड है सौख्यम के बारे में ये कितना प्रॉफिटेबल रहेगा महिलाओं को कितने पैड होंगे वो पैकेट में तो ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करती हूँ पहले और फिर आपको ऑनलाइन का भी बताती हूँ ऑनलाइन में तो अलग अलग सेट्स हैं लोग देख के अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जाता है थ्री फिफ्टी रुपीज़ तीन सौ पचास रुपये में छः पैड का और पाउच पैड पाउच के अंदर आते हैं छः पैड का और पाउच का एक सेट होता है जो कि आपका तीन साल तक चलता है तो कम से कम तीन साल तक चलता है तो आप खुद ही हिसाब लगाइए तीन साल तक चल रहा है उसका मतलब छत्तीस महीने उसका मतलब कि आपका पर मंथ कॉस्ट दस रुपये से भी कम हुआ और इसीलिए महिलाएं और लड़कियां खरीदती भी हैं कॉस्ट का जो उनको कैलकुलेशन जब समझ आ जाता है तो उन्हें समझ आता है कि इससे एक घर में अगर दो लड़कियां हैं और माँ हैं तो आप सोचिए कि कितना खर्चा हर महीने होता है सैनिटरी नेपकिनस के ऊपर तो लो मिडिल क्लास ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे लो इनकम कम्युनिटीज़ हैं तो इस तरह की चीज़ एक बार आप ले लो आपको फिर तीन साल तक आपको फिर पैसे नहीं खर्चने हैं ये ऑनलाइन तो है। मिलता है और ऑफ़लाइन हमारी जो दीदियाँ कहते हैं जो एसएचजी की महिलाएं होती हैं वो उपलब्ध कराती हैं तो उड़ीसा में भी शायद एस एच जी साथ काम करने का मौका मिले और फिर एस एच जी की महिलाएं इसको मैडम कहाँ पर आप शुरू करेंगे पहला ये जो प्रोजेक्ट उड़ीसा में आप कर रहे हैं सात स्टेट में ऑलरेडी आप कर चुके हैं तो उड़ीसा में रूरल में करेंगे या फिर अर्बन एरिया में कुछ करेंगे उड़ीसा सरकार के अंदर कुछ टाई अप करने वाले हैं ऐसा कुछ सोचे हाँ जी उड़ीसा सरकार के पास तो हम जाएंगे ही इस बार भी हमारी कुछ मीटिंग्स हैं और उड़ीसा सरकार एक्चुअली कुछ कुछ सरकारें हैं देश में जिनमें जागरूकता है स्टेट गवर्नमेंट्स स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करती हैं डिस्पोजेबल सैनिटरी नैपकिंस कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स अभी रीयूजबल्स में भी पाइलट्स कर रही हैं छोटे छोटे जगह लेके कर वहाँ पर कर रही हैं तो हमारे दो कार्यक्रम चल रहे हैं एक तेलंगाना में एक कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के साथ एम भी है ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट भी इस मामले में बहुत जागरूक है जहाँ तक हमें पता है उनको पता है कि रीयूजबल्स बेटर है तो उनके पास तो हम जाएंगे ही और uh, जे एस करने के लिए में रहेगा तो डेफिनेटली de अगर uh, ग्रामीण महिलाओं के पास ये काम आएगा इसको बनाने का इसको उपलब्ध कराने का तो उससे uh, कुछ uh, 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 हजारों तो नहीं कह सकते शुरुआत में पर कुछ सौ लोगों को तो इससे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए मतलब कुछ स्थान ऐसे चुना गया है आपकी तरफ से कुछ अरबान या फिर कुछ ऐसे जगह बनाने के लिए हमने फिलहाल अंगुल में हमारा हमारी संस्था का अमृता जे है वो धर्मेंद्र प्रधान जी ने बल्कि दस दिन पहले इनाग्रेट किया था और वो भी ये जो सोसाइटी के बहुत लो इनकम ग्रुप्स हैं उनकी सेवा करते हैं वहाँ पे बहुत सारी महिलाओं को टेलरिंग की ट्रेनिंग भी दे रखी है तो बनाने के लिए हम वो जगह का हाँ जी हम सोच रहे हैं